उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बैंक के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो गलत है। इससे बहुत नुकसान होंगे। आम नागरिकों को निजीकरण के बाद बेहद परेशानी और समस्या आएगी। आम नागरिकों के साथ ही जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निजीकरण का फायदा कॉरपोरेट सेक्टर को होगा, साथ ही निजीकरण का फैसला सरकार को बदलना चाहिए। उसी को लेकर मीडिया कर्मियों से बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने चर्चा की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उसके उपरांत भी सरकार बैंक और निजीकरण क्यों चाहती है? आज देश की 200 लाख करोड़ की पूंजी, जिसको कि सरकार निजीकरण के हाथों से क्यों सौंप 2021 में दिया गया। इसके उपरांत भी सरकार निजीकरण क्यों चाहती है? आम आदमी को सरकार बैंकिंग सुविधा प्रदर्शित करना क्यों चाहती है? आज हम देख रहे हैं कि यदि प्राइवेट बैंक में भी यदि हम खाता खुलवा कर 10,000 से कम का खाता नहीं खुलता, हमारे सरकारी बैंकों में 0 बैलेंस से खाते खुलते हैं। जनधन योजना के अंतर्गत सरकारी बैंकों ने पूरे देश में 40 करोड़ खाते खोले, जिसमें 38 करोड़ खाते सरकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।